आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 फरवरी की ईश्वर वदन की। परमात्मा आज हमें कुछ नया सिखा रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे हम कमाई जमा करें कर्मों से, लेकिन उसके पहले कर्म करने से पहले वचन, वचन से पहले संकल्प। तो हम कैसे संकल्पों को चेक करें और उसके बाद में उसके द्वारा जो होंगे कर्म, उसको हम त्रिकालदर्शी होकर देखें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और ऊपर और हमारे ऊपर। तो इसी चीज को आज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं जो ये कर पाता है वो ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने बहुत सारा ज्ञान भर लिया मन में, बुद्धि में, और औरों को समझा दिया, सुना दिया। परमात्मा कहते हैं अगर आपके संकल्प जो भी आप करते हो वो जब आपके वचन और कर्म में परिवर्तन होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तो उससे जो भी कर्म का फल मिले वो सबको हेल्प करे। तो देखें परमात्मा के खुद ही शब्दों में कहना क्या चाहते हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई, पद्मों मतलब कि करोड़ों अरबों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। तो परमात्मा कहना चाहते हैं कि समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है, सोच करके फिर करता है। तो सोचना एंड देन उसके बारे में सोचना कि इसका असर क्या पड़ेगा मेरे ऊपर, औरों के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, और फिर करना। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं, राजा हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, सबके क्या होते हैं, पहले भोजन चेक होते हैं, चेक करते हुए अगर टेस्ट करता है उसके पहले कहीं जहर ना मिला दिया हो, चेक कराते हैं फिर खाते हैं। तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको हम उतना ही इंपॉर्टेंस दें कि उनको हम चेक करें। और चेक किसके सामने करवाएं, परमात्मा के सामने, कि परमपिता परमात्मा, मेरे निराकार परमात्मा, मेरे ज्योति बिंदु परमात्मा, मेरे ज्ञान के सागर परमात्मा, ये जो मेरे संकल्प आया है क्या इसको करना चाहिए? अगर आप होते तो क्या आप करते? ये करना भी योग है, मतलब मेडिटेशन है। तो हम सोच जो करते हैं, संकल्प जो करते हैं, उसको चेक करवाना। जैसे कहते हैं ना प्रसाद भगवान को अर्पण करना, परमात्मा कहते हैं मुझे भगवान, मुझे तुम्हें प्रसाद देने की, फल फ्रूट देने की, दान करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अपने संकल्पों को मेरे सामने रखो, संकल्प ही फल लेके आएंगे। और हम क्या रख देते हैं, हम फल फ्रूट रख देते हैं। तो तुम्हारे संकल्पों का जो कर्मों का फल होगा वो तुम मेरे सामने रखो, तुम अपने फल मत रखो मेरे सामने, तुम संकल्पों को मेरे सामने रखो, उसके बाद में वही हो गया जैसे कि तुमने फल अर्पण कर दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा इसका असर क्या पड़ेगा, क्या कर्मों का फल मिलेगा, और उसके हिसाब से तुम डिसाइड करो तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। यानी कि सोचो और सिर्फ कर दिया, फिर बोलना भी करना होता है। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, प्रॉपर होंगे। और जहां समर्थ है वहां कमाई है। कमाई किसकी होगी, और की दुआएं मिलेंगी, खुशी मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी, रातों की नींदें अच्छी सी आएंगी, घबराहट नहीं होगी, ये सारी चीजें क्या होंगी, फल होंगे, कमाई होगी। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। जो आत्मा ज्ञानी तू है, आज दुनिया में लोगों ने शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, आज इंसानों ने वेदास बहुत पढ़े हुए हैं, गुरु रखे हुए हैं, पंडित ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन उनके संकल्प बोल और कर्म से पता चलता है कि वो सच्ची में ज्ञानी है कि नहीं है। तो अगर आपको भी परखना है कि आपके सच्चे गुरु कौन हो सकते हैं इस दुनिया में, तो मेरा तो ये सजेशन है कि परमपिता परमात्मा को ही अपना सतगुरु माने। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी, इसमें आप भी आइए और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। इसके साथ ओम शांति।